सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है हमारा वायनाड में दूसरा दिन। एंड आज हम जा रहे हैं फ्रॉम बानासुरा टू चेम्बरा पीक। चेम्बरा है हमारे होटल से कुछ 50 किलोमीटर्स अवे, जिसको कवर करने के लिए हमें लगेंगे टोटल 1.5 घंटा। हमारा मूड है वहाँ पर जाकर ट्रैकिंग करने का, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पर चेम्बरा पीक। इसका हमको एक्चुअली ट्रैक करना था एंड हमने सारे लोकल्स से यही सुना था कि आपको यहाँ पर 7 बजे से पहले आना है, अराउंड 6:30 to 7 के बीच में आपको आना है और आपको टिकट लेना है एंड देन यू हैव टू गो फॉर द ट्रैक। बट हम जब यहाँ पर आए तब हम लोग को मालूम पड़ा कि लोग यहाँ पर 4:30 बजे से आकर एक टोकन लेके खड़े हैं और उसके बाद टोकन लेने के बाद ही उनको टिकट्स मिलती है। सो दिस इज़ नॉट रियली फेयर बिकॉज हम लोग ने अराउंड 1.5 hours ट्रैवल किया टू रीच दिस प्लेस एंड अगर उसके बाद 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो किसी को भी बुरा लगेगा यार। सो केरला टूरिज्म शुड एक्चुअली लुक इन टू दिस एंड वर्क ऑन दिस, प्रॉब्ली टेक दिस टिकट बुकिंग ऑनलाइन, कुछ तो बेटर होगा राइट। दिस इज अटर स्टुपिडिटी। प्लस वो लोग सिर्फ 200 लोग को ऊपर जाने की परमिशन देते हैं। हाईली डिसअपॉइंटेड। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने चेम्बरा में काफ़ी सारा मज़ा किया एंड हंसते खेलते वक्त कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। और अब हम निकल पड़े हैं बानासुरा सागर डैम के लिए। सो गाइस अभी हम आए हैं बानासुरा सागर डैम में, जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम एंड बहुत ही खूबसूरत है ये डैम, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। तो गाइज अभी हम लोग कर रहे हैं बोटिंग इन बानासुरा डैम। काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ के आसपास का नेचर, मैंने इसके पहले के शॉट्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी हम इस डैम में बोटिंग करेंगे और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू। Thank you.
तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पर। हम लोगों ने जैसे आप लोगों ने देखा उन्होंने काफ़ी मस्त बोटिंग किया, स्पीड बोट पे थे हम लोग, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड यू शुड ट्राई। बट मेक श्योर कि आप वहाँ पर जल्दी पहुँचो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू होती है एंड यू कैन गेट डिलेड फॉर योर एडवेंचर। सो या प्लान इट अकॉर्डिंगली, बट बहुत ही अमेजिंग था। मेक श्योर टू डू इट, स्पीड बोट ऑन बानासुरा डैम। अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, लंच के बाद करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक, सो वो भी आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं टी गार्डन्स में जो हमारे रिजॉर्ट के काफ़ी पास में ही है, तो हम अभी फ़िलहाल उसमें थोड़ा सा टूर करेंगे। हमारे साथ में एक गाइड भी है फ्रॉम आवर रिजॉर्ट। काफ़ी ही लश ग्रीन टी गार्डन्स है ये, और ये रिजॉर्ट की ओनर का ही है पूरे टी गार्डन्स। सो इट इज़ वेरी वेल मेंटेन एंड अभी मैं आपको इसके भी शॉर्ट्स दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पर चलने के लिए मज़ा भी काफ़ी आ रहा है और बहुत सारे इंसेक्ट्स के आवाज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर, आपको बैकग्राउंड में शायद सुनाई भी दे रहा होगा। कंप्लीट नेचर ट्रेल टाइप फीलिंग है यहाँ पर एंड एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लीचेस काफ़ी सारे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर लीच काटता है सो स्प्रे सम सैनिटाइजर ऑन इट एंड यू कैन ईजिली टेक इट आउट। सो अ यूजफुल टिप फॉर यू फोक्स। और धीरे धीरे हम लोग अभी वाटर स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं, सो हम लोग को पानी का जो बहने का आवाज़ है वो काफ़ी अच्छे से आ रहा है। एक सेकंड मैं देखता हूँ अगर इसमें कैप्चर होता है तो बच्चे। सो गाइज हम लोग ने अभी वो प्राइवेट स्ट्रीम में काफ़ी मज़ा किया, बहुत अच्छे से बातें बातें की बैठ के, और पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। वी ट्राई टू ड्रिंक सम वाटर ऑल्सो एंड पानी बहुत ही क्लीन था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था पानी को, एंड कुछ पानी हमने मुँह पे स्प्लैश भी किया, सो उसके कारण अभी हम लोग को बहुत फ्रेश लग रहा है। अब प्लान ये है कि हम फिलहाल रूम पर जाएंगे एंड थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड विल टेक द इवनिंग लाइट। All right, so stay tuned.